हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिस्टन। सो गाइस, आज की वीडियो हम ड्रैग रेस करने वाले हैं विद केटीएम ड्यूक 200। एंड यस गाइस, केटीएम आरसी 200 एंड केटीएम ड्यूक 200 में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है। इवन इन दोनों बाइक के पावर फिगर्स एंड इंजन ट्यूनिंग भी आपको एकदम सेम देखने को मिलती है। इन दोनों बाइक्स में आपको कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों बाइक में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है, वो है इन दोनों बाइक्स की कैटेगरी को लेकर। लाइक केटीएम आरसी 200 आपको देखने को मिल जाती है एक सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में, वहीं पर दूसरी तरफ केटीएम ड्यूक 200 आपको देखने को मिल जाती है एक नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में। अदर देन इन दोनों बाइक्स में आपको कोई भी अदर मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि क्या एक ज्यादा एरोडायनामिकल डिजाइन होने की वजह से केटीएम आरसी आज के ड्रैग रेस में विनर रहती है या फिर नहीं। तो गाइस, बात करें आज के ड्रैग रेस की, तो आज के ड्रैग रेस में हम टोटल 4 राउंड्स करने वाले हैं। आफ्टर 2 राउंड्स हम राइडर एक्सचेंज कर देंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक टुडेस वीडियो, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हो चुका है ड्रैग रेस कंप्लीट। एंड गाइस, सच बताओ तो आज के ड्रैग रेस में मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आया, बिकॉज आज के ड्रैग रेस का कोई भी विनर नहीं रहा। मींस ये दोनों बाइक कहीं ना कहीं सेम परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से आज के ड्रैग रेस में विनर की जगह दोनों ही बाइक्स में टाई हो चुका है। एंड गाइस, ऐसा इसलिए बिकॉज जब मैं आरसी 200 राइड कर रहा था तो आरसी 200 विन कर रही थी, और जब मैंने ड्यूक 200 राइड करा राइडर स्विच के बाद, तब ड्यूक 200 विन कर रही थी। तो गाइस, यहां पे आप ये कह सकते हो कि इन दोनों बाइक ने एकदम सिमिलर परफॉर्म कर रहा है। इवन ज्यादा एरोडायनामिकल डिजाइन होने के बावजूद केटीएम आरसी इनिशियल में उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पा रही थी। मे बी जब आप एक टॉप एंड पे रहो तो वहां पे आरसी को एरोडायनामिकल होने की वजह से, इवन कम विंड ब्लास्ट झेलने की वजह से आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज देखने को मिले, बट जो ये इनिशियल्स के ड्रैग रेस है लाइक 0 to 100, इसमें आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे जो हमारा ड्यूक 200 आज हमने यूज करा है, उसमें ऑलरेडी विंड वाइजर लगा हुआ था, जिसकी वजह से विंड ब्लास्ट देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, यहां पे कह सकते हैं कि जो आज का ड्रैग रेस है वो बिल्कुल ही टाई हुआ है, कोई भी बाइक आज विन नहीं करी है। एंड गाइस, यहां पे एक और चीज मार्क कर सकते हो कि एक राइडर के लिए उसकी मशीन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितनी इंपॉर्टेंस रखती है उसकी राइडिंग स्किल। बिकॉज आज का जो ये ड्रैग रेस था, ये पूरा का पूरा इसका रिजल्ट डिपेंड था, तो वो था सिर्फ राइडिंग स्किल पे। बिकॉज ये दोनों बाइक कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम परफॉर्म कर रही थी। तो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।